गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्केट्स, यानी कि बाजार के प्रकार। पहले हमने ये स्टडी किया था कि व्हाट इज मार्केट, बाजार क्या होता है, उसमें कौन से तत्व जरूरी हैं, उसके निर्धारक तत्व कौन से हैं और बाजार की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब बाजार क्या होता है? बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता इकट्ठे होते हैं और वस्तुएं जो होती हैं खरीदी व बेची जाती है, यानी कि देयर इज अ फ्री कॉम्पिटिशन, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है। दोनों की ही संख्या बहुत होती है, क्रेता भी ज्यादा होते हैं, विक्रेता भी होते हैं, एंड देयर इज प्लेस ऑल्सो एंड देयर आर गुड्स। सो द मार्केट, वी नो नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, दैट देयर शुड बी प्लेस, देयर शुड बी गुड्स एंड कमोडिटीज, एंड देयर शुड बी परचेसर्स एंड बायर्स। अब There are different type of markets. Markets अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम उनको अलग अलग तरह से विभाजित करके स्टडी कर सकते हैं। पहला प्रकार का जो विभाजन है वो है स्थान के आधार पर, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्लेस। यू कैन डिवाइड मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। उसमें फर्स्ट विल बी योर कौटुंबिक मार्केट। कौटुंबिक यानी कि कुटुंब, यानी कि आपका परिवार, फैमिली, यानी कि ये मार्केट सबसे छोटा होता है। इसमें जो परचेसिंग है या कंज्यूम करते हैं हम गुड्स को, एक परिवार तक ही सीमित होती है, यानी कि हमने अपने परिवार में कुछ बनाया, कुछ उगाया और उसको यूज़ किया, यानी कि इसकी जो मार्केटिंग है इट्स ओनली लिमिटेड टू वेरी स्मॉल वन फैमिली। इसको बोलते हैं कुटुंबिक मार्केट, यानी कि सबसे छोटा। अब इससे थोड़ा बड़ा मार्केट आता है, दैट इज लोकल मार्केट, यानी कि स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार दूसरा प्रकार का बाजार है जो कि स्थान के आधार पर है, यानी कि इसमें बाजार जो है एक ही पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड है, यानी कि हम कह सकते हैं एक गांव तक या एक पर्टिकुलर शहर तक या थोड़े से एरिया में जब बाजार होता है तो हम उसको कहते हैं लोकल मार्केट, यानी कि उस एरिया की जो शॉप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोटा में रह रहे हैं तो कोटा की जो दुकानें हैं वो कोटा का बाजार होगा, वो उस वाला एरिया को हम उसको लोकल मार्केट कहेंगे। लोकल मार्केटिंग में हम वो उन प्रोडक्ट्स का कह सकते हैं कि जो कि पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जिनको कि हम बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि सब्जियों का बाजार हो गया, आपके बिल्डिंग मटेरियल का बाजार हो गया, ये सब मार्केट जो होते हैं वो मोस्टली लोकल होते हैं। हम जहाँ रहते हैं हम उस चीज़ को वहीं से खरीदते हैं, हम उसको बाहर से नहीं लाते, क्योंकि बाहर से लाने पर वो हमको महंगी पड़ेगी और वो हो सकता है ख़राब भी हो जाए। अब थर्ड टाइप का मार्केट इसमें आता है, राष्ट्रीय मार्केट, यानी कि नेशनल मार्केट। जब किसी की बाइंग एंड सेलिंग पूरे देश में फैली हुई होती है तो हम उसको कहते हैं राष्ट्रीय बाजार। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे चाय पत्ती हमें पूरे देश में मिलती है। साबुन हो गया, जैसे कि डिफरेंट ब्रांड्स के साबुन हो गए, जैसे सर्फ हो गया या निरमा हो गया, ये आपको पूरे देश में मिलेगा। चांदी है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। पर्टिकुलर कोई चीज़ है जो कि आप कश्मीर में भी ले सकते हैं और कन्याकुमारी में भी ले सकते हैं, यानी कि आपके पूरे देश में आप उस प्रोडक्ट को कहीं से भी ले सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेशनल मार्केट। एंड द लास्ट टाइप इज इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इसमें बाजार जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ होता है। और ये मार्केट कौन सा होगा? ये उन कमोडिटीज का होगा जो कि हम ये कह सकते हैं महंगी भी हैं और जो ज़्यादा स्थान भी नहीं घेरती और जो खराब भी नहीं होती। इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे, दैट इज़ योर गोल्ड मार्केट, द मार्केट ऑफ शेयर्स। आप गोल्ड पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप चाहें तो गोल्ड ले सकते हैं, शेयर्स आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये जो मार्केट है, या कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स के भी होते हैं, दैट इज़ पूरे वर्ल्ड में जो कि फैला हुआ होता है, इसका बाजार बहुत बड़ा होता है। तो स्थान के आधार पे हमने देखा कि चार प्रकार के बाजार होते हैं, एक तो कुटुंब में, एक लोकल, एक नेशनल एंड एक इंटरनेशनल। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो विभाजन होता है वो है समय अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम। कि समय ज़्यादा है, कम समय का बाजार है, या ज़्यादा समय का है, या लॉन्ग लाइफ जो कि पूरी जिंदगी चलता रहता है, तो ये भी डिफरेंट टाइप का होता है। इसमें फर्स्ट है दैनिक बाजार। दैनिक बाजार मतलब कि डेली बाजार। एक बाजार ऐसा है जो लगता है, सुबह लगता है और शाम को ख़त्म हो जाता है, रोज का रोज लगता है। यानी कि इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी सब्जियों का बाजार हो गया, या कुछ कई जगह कोई पर्टिकुलर डे का भी बाजार लगता है। तो इसमें जो होता है कि जो हम ये कह सकते हैं कि ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच आर पेरिशेबल और जो कि बाहर भेजे नहीं जा सकते और उस पर्टिकुलर एरिया से ही हम लेते हैं, उसे कहते हैं दैनिक बाजार।
बाजार, इसमें जो होता है कि ये हम कह सकते हैं कि जो आइटम्स की वैरायटी इज ऑल्सो लिमिटेड, देयर इज नो वैरायटी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि दैनिक बाजार में ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ बिके या नहीं बिके, ठीक है। सेकेंड आता है अल्पकालीन, अल्पकालीन यानी कि जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म मार्केट, शॉर्ट टर्म मीन्स जो कि हम कुछ हफ्तों के लिए या पर्टिकुलर एक दो महीनों के लिए जो बाजार होता है उसको अल्पकालीन बाजार कहते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि कोई एग्जीबिशन लग रही है और वो 10 दिन की है, 15 दिन की है या कुछ एक महीने चलती है, तो इस तरह की जो कई दुकानें आपने देखी हैं वो अल्पकालीन होती है, जिनकी की मार्केटिंग 1 महीने से लेकर 2 महीने या कुछ पर्टिकुलर डेज तक चलती है। फिर आता है दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म, ये वाला जो बाजार होता है ये कुछ 6 महीने साल इस तरह के इसके मार्केट चलता है, थोड़ा लॉन्ग टाइम का होता है और इसमें हमें थोड़ी वैरायटी ऑफ गुड्स ज़्यादा मिल जाती है। एंड द लास्ट वन इज अति दीर्घकालीन, दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग टर्म मार्केट, जो कि हमारे यहाँ पर हम जो मार्केट्स जाते हैं दैट आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म मार्केट्स, यानी कि ये दुकानें कब से ही चली आ रही हैं कि वहाँ हम हमारी पीढ़ियाँ भी बदल जाती हैं लेकिन वो मार्केट वहीं की वहीं रहती है और वहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू फैशन और रुचियों के अनुसार सामान भी बदलता जाता है। कि कोई भी हम एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक आइटम पहले पर्टिकुलर ब्रांड का था या टीवी है, उसमें नित्य नए 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 आविष्कार होते हैं तो उनमें चेंजेस आते जाते हैं, तो ये शॉप्स वहीं की वहीं रहती हैं और अकॉर्डिंग टू वैरायटी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू नए नए आविष्कारों के अनुसार उसमें जो चेंजेस प्रोडक्ट्स में आते रहते हैं। तो दीस आर कॉल्ड होल लाइफ टाइप ऑफ मार्केट, जो कि पूरे जीवन हमारे चलते हैं। तो ये तो हो गया समय के अनुसार। तीसरा प्रकार का जो हम डिविजन करते हैं दैट इज प्रतियोगिता के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन। देर आर 3 types ऑफ कॉम्पिटिशन। फर्स्ट इज पूर्ण स्पर्धा, यानी कि इट्स कंप्लीट कॉम्पिटिशन, इट्स फुल, हम ये कह सकते हैं कि इसमें पूरा जो है क्रेता विक्रेता जो है दोनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब क्रेता और विक्रेता की संख्या ज़्यादा होती है, दुकानें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं, बेचने वाले भी ज़्यादा हैं, तो देयर इज़ फुल कॉम्पिटिशन। आप कहीं भी जा कर के खरीद सकते हो, यहाँ पे रेट फिक्स होती है, हमें कोई टेंशन नहीं होता, हम किसी भी शॉप पे जा कर के उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और हमें चीटिंग के भी चांसेस कम होते हैं। सेकेंड टाइप का जो होता है अपूर्ण स्पर्धा, यानी कि पार्शियल कंपटीशन। अब इसमें क्या होता है कि जो बेचने वाले कम होते हैं, खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं, कई बार खरीदने वाले कम होते हैं, बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, तो इसमें देयर इज वेरिएशन इन प्राइसेस। हमें ये नहीं पता होता कि इसका प्राइस सही है या नहीं है। जब हमारे पास लिमिटेड शॉप्स है तो हमें जहाँ से जो मिलता है हम खरीद लेते हैं, जिस भाव में मिलता है हम खरीद लेते हैं, हम ज़्यादा मोल भाव भी नहीं करते और इसमें कई बार हम चीट भी हो जाते हैं, क्वालिटी भी सही नहीं मिलती, वी आर फोर्स्ड टू बाय। एंड द थर्ड टाइप इज एकाधिकार, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। मोनोपोली कहाँ होती है, ज़्यादातर अपने गाँव में देखा होगा कि एक ही दुकान है। अब एक ही दुकान है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं तो वो उसकी मोनोपोली होती है, एकाधिकार होता है और वो जो मन चाहे दाम वसूलता है, जो चाहे क्वालिटी देता है। एंड वी आर फोर्स टू बाय, क्योंकि हम अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम जाकर के कहाँ से शॉपिंग करें, तो दैट इज कॉल्ड एकाधिकार। आपने देखे होंगे इस तरह के शॉप्स पर्टिकुलर एक बिल्डिंग में होता है या पर्टिकुलर जहाँ पे हम एक मोहल्ले में रह रहे हैं तो वहाँ पे एक या दो दुकानें होती हैं, तो अब हमें वहाँ से प्रोडक्ट लेना पड़ता है क्योंकि अब हम कहाँ मार्केट में जाएँ, कहाँ दूर जाएँ छोटी सी चीज लेने, तो जो भी वो रेट में देता है तो हम वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन। देन द फोर्थ इज वस्तु की मात्रा के आधार पर। वस्तु की मात्रा क्या होती है कि या तो आपको थोड़ा प्रोडक्ट चाहिए या ज़्यादा चाहिए। अब आप जो थोड़ी सी चीज़ लेनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं, हम ये कॉमन मार्केट्स में जाते हैं, हम दैट आर कॉल्ड रिटेलर्स, ठीक है, जो फुटकर बाजार होते हैं। फर्स्ट जो होता है हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं फुटकर और दूसरा है थोक। फुटकर व्यापारी कौन से होते हैं, जहाँ पे आप दुकानों में जाते हो और आप बाजार जाते हो और आपको थोड़ा सा वैरायटी चाहिए। फुटकर में ये हमें बेनिफिट होता है कि एक ही दुकान में हमें बहुत सी वैरायटी दिख जाती है और हमें जो लेना होता है हम पर्टिकुलर थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। लेकिन जो सेकेंड टाइप का होता है थोक व्यापारी, दैट आर होलसेलर्स। अब वहाँ पर क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट होता है और हमें उसको ज़्यादा मात्रा में लेना होता है तो हम होलसेलर्स के पास जाते हैं। तो ये 2 type के हो गए कि मात्रा के आधार पर आपको कम मात्रा में लेना है तो आप रिटेलर्स पे जाओगे और आपको ज़्यादा मात्रा पे लेना है तो आप होलसेलर्स पे जाओगे। अब जो होलसेलर्स जो होते हैं, जो थोक व्यापारी होते हैं, दे आर बॉन्ड बिटवीन रिटेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट को रिटेलर्स को
देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थोक वाला होता है, होलसेलर होता है, वो प्रोड्यूसर्स को तो कैश देके पेमेंट लेता है और रिटेलर्स को उधारा देता है, और एक ये दोनों के बीच में एक कड़ी होती है। और रिटेलर्स क्या होते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि हमें बहुत सी वैरायटी मिल जाती है और हमारे को जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और हम जो चाहें उनसे खरीद सकते हैं। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर। देन नेक्स्ट कम्स कार्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्क। कार्य यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें दो टाइप के होते हैं बाजार, एक होता है सामान्य बाजार या मिश्रित बाजार और दूसरा होता है विशिष्ट बाजार। सामान्य यानी कि कॉमन या मिक्स मार्केट, जो कि आपने एक नॉर्मल मार्केट देखा है कि मैं किसी पर्टिकुलर मार्केट में गई और मुझे वहाँ पे सारी वैरायटी की शॉप्स मिल गई, कपड़े की भी शॉप है, स्टेशनरी भी है, फर्नीचर भी है और इलेक्ट्रिक आइटम्स की है, तो यानी डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स हैं और मुझे वहाँ से सुई से लेकर के एक कार तक हर चीज़ मिल रही है। मुझे हर वैरायटी की कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं किसी भी शॉप पर जाके ले सकती हूँ। सेकेंड जो है विशिष्ट बाजार यानी कि दैट पर्टिकुलर मार्केट, वो उसी चीज का मार्केट होता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे फर्नीचर मार्केट, मुझे फर्नीचर लेना है तो मैं फर्नीचर मार्केट में गई, वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर की शॉप से मैंने फर्नीचर सेलेक्ट किया। या फिर हम कह सकते हैं चूड़ी बाजार होता है या फिर ज्वेलरी शॉप्स होती हैं जो इसके अलावा आप देख सकते हैं कपड़ा मार्केट, क्लॉथ मार्केट होता है, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज की बहुत सारी दुकानें होती हैं एंड वी आर फ्री टू चूज फ्रॉम देयर। लेकिन मिश्रित में क्या होता है कि एक ही दुकान है, कपड़े की दो ही दुकानें हैं, तो मैं किसी भी एक दुकान से कपड़ा लेती हूँ तो जो वो उनका रेट्स भी हम हो सकता है ज़्यादा हो और मुझे वैरायटी भी कम मिले। लेकिन अगर मैं विशिष्ट बाजार में जाती हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो मुझे लॉट ऑफ वैरायटी मिलेगी, आई कैन कंपेयर और मेरे को क्वालिटी और मैं रेट कंपेयर करके अपनी इच्छा से वो प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ। देन नेक्स्ट आता है विक्रय की विधि, कि वो किस तरह से उसको सेल कर रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग इट। तो इसमें पहला आता है प्रत्यक्ष निरीक्षण। हम जब जाते हैं और उसको प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हैं, यानी कि आई सी इट, मैं उसको इंस्पेक्ट करती हूँ, मैं उसको अच्छे तरह से स्टडी करती हूँ, उस प्रोडक्ट को देखती हूँ, फिर मैं उसको लेती हूँ। जो कि हम सिंपल एग्जांपल, हम बाजार जाते हैं, मुझे फर्नीचर लेना है, मैंने देखा ये पलंग है ऐसा है और मैंने उसको खरीद लिया, मैंने उसको निरीक्षण किया और ले लिया। दूसरा टाइप का इसका मार्केट होता है नमूने द्वारा, यानी अकॉर्डिंग टू सैंपल। यू गो टू मार्केट, यू इन दिस यू कैन गो टू मार्केट एंड उस शॉप में वो चीज़ नहीं है और बहुत सारे नमूने वो आपको दिखा देता है। जैसे कि आप कलर्स खरीदने जाते हो, आपको घर में पेंट करना है, तो वो आपको सैम्पल्स दिखाता है कि ये कलर्स हैं, आपको कौन सा कलर चाहिए। कई बार आप थ्रेड्स लेने जाते हो, नेल पॉलिश लेने जाते हो, तो आपको सैम्पल्स दिखाए जाते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर सैम्पल आप देखते हो कि मुझे ये वाला पसंद है और आप वो ये ले सकते हो। और ये नमूने की जो शॉपिंग है हम घर बैठे भी कर सकते हैं, आपको सैम्पल्स दिखा दिए जाते हैं कि ये कई बार चावल के डिफरेंट सैंपल्स दिखा दिए या चाय पत्ती के दिखा दिए और हम उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग कर लेते हैं। देन थर्ड इज प्रमापीकरण या श्रेणीकरण। प्रमापीकरण क्या होता है, दैट इज योर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और उसको, और श्रेणीकरण यानी कि ग्रेडिंग, यानी अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स वी बाय, कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी ग्रेड्स दी जाती है कि ई ग्रेड का चाहिए या बी ग्रेड का चाहिए या आपको सी ग्रेड का चाहिए, या उनके अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं कि तुम्हें ये वाला बासमती चावल चाहिए या दूसरा चाहिए या तीसरा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन बाय, हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसकी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग। प्रमापीकरण यानी कि हम उसका स्टैंडर्डाइज मार्क देख करके और अब उस प्रोडक्ट को लेते हैं, हमारे पास तीन चार प्रोडक्ट पड़े हैं और हम देखते हैं कि इसमें ISI मार्क है, देन वी बाय दैट प्रोडक्ट। देन लास्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मीन्स उस पर्टिकुलर ब्रांड का, यानी कि मुझे पंखा लेना है तो मैं कहूँगी मुझे तो बजाज का चाहिए, तो मैंने ट्रेडमार्क देख करके उसकी शॉपिंग की। शूज लेने हैं तो मुझे बाटा के लेने हैं, मैंने बाटा का ट्रेडमार्क देखा और उस प्रोडक्ट को खरीदा, तो हम ट्रेडमार्क के अकॉर्डिंग भी बाजार जो होते हैं हम शॉपिंग कर सकते हैं। अब लास्ट है क्रय के अनुष्ठान। इसके अलावा भी कुछ और तरीके होते हैं जिसमें सामान बेचा व खरीदा जाता है, बहुत सिंपल है। पहला है हॉकर्स यानी कि फेरी वाले जो होते हैं वो अपनी फेरी ठेला लेकर घर घर आते हैं और प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे सब्जी वाले आ गए आपके, है ना, और फ्रूट्स वाले आ गए, तो हमें ये पता है कि प्रोडक्ट महंगा दे रहे हैं, लेकिन हमें सुविधा है कि ये हमारे घर के बाहर आ गए और हमने प्रोडक्ट को जांचा परखा और खरीद लिया, तो ये तो हो गए फेरी वाले। इसके अलावा मेले,
मेले जो होते हैं, फेयर्स होते हैं, हम जाते हैं वहाँ पे, वहाँ पे हमारा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और हमें डिफरेंट वैरायटीज भी मिल जाती हैं और हम घूम लेते हैं, प्रोडक्ट देख लेते हैं। और वहाँ पे हम मेले में ये भी कह सकते हैं कि वी डोंट ओनली गेट योर लोकल थिंग्स बट वी गेट नेशनल एंड इंटरनेशनल, क्योंकि मेलों में बाहर से भी लोग आ जाते हैं और अपनी दुकान लगाते हैं, तो हमें बहुत सी वैरायटी मिल जाती है और हम वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हैं। देन कम्स हार्ट। हार्ट क्या होता है? हार्ट लगता है पर्टिकुलर वन डे वीक में, जैसे कि संडे को हार्ट लगा, जब सब दुकानें बंद होती है तो बाहर हार्ट लग जाता है दिल्ली में, जैसे लगता है जैसे सोम बाजार, मंगल बाजार, इस तरह के पर्टिकुलर डेज में मार्केट लगता है और उस समय बाहर फुटपाथ पे ये लोग बैठ जाते हैं और हमें वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन काफ़ी कम रेट में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। फिर होती है प्रदर्शनियाँ। प्रदर्शनियाँ जो होती हैं बड़े शहरों में या छोटे शहरों में सब जगह लगती रहती हैं और जिन्हें हम एग्जीबिशंस कहते हैं, एंड देयर आल्सो यू गेट लॉट ऑफ वैरायटी। हमें नए नए प्रोडक्ट्स की जानकारी होती है, जैसे हमने देखा होगा यहाँ पे कई बार फर्नीचर की प्रदर्शनी लगती है, कई बार प्रॉपर्टी रियल इस्टेट की लगती है, तो कौन कौन अपना बिल्डिंग बना रहा है, फ्लैट्स बना रहा है, तो हमें वहाँ जा कर के इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड देन वी कैन परचेज दैट प्रोडक्ट। तो प्रदर्शनी कि वो अपना प्रदर्शन करते हैं, वो बताते हैं कि हम क्या क्या नई नई चीज़ें बना रहे हैं, और सब इंटरनेशनल लेवल के भी होती हैं, नेशनल भी होती हैं, लोकल भी होती हैं, और हमें यहाँ पे नए नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है और हम उसके अकॉर्डिंगली परचेस करते हैं। देन कम्स विशेष अधिकार दुकानें, जिसे फ्रेंचाइज बोलते हैं। विशेष अधिकार यानी कि क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड होती है, उसकी जो वो अधिकार दूसरे लोगों को दे देता है। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं आपने देखा होगा जिनकी फ्रेंचाइज हम ले लेते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्रांड बहुत फेमस है, अब मुझे भी वो चीज़ बेचनी है, तो मैंने उससे परमिशन लेके उसके नॉर्म्स को पालन करते हुए अपनी वो शॉप खोल दी। जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया और बाटा शोरूम है, ये इस तरह के इनके अधिकार होते हैं और उनकी परमिशन से वो पर्टिकुलर शॉप खोली जाती है। देन नेक्स्ट कम्स सुपरमार्केट। सुपरमार्केट और हम उपभोक्ता भंडार दोनों को इसमें डिस्कस कर लेंगे, जहाँ पे हमें सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं, खासकर जो हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम राशन वगैरह का सामान, ये सब हमें एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हमें एक ही स्टोर के अंदर मिल जाता है। जो कॉपरेटिव स्टोर होते हैं उसमें कुछ लोग सदस्य मिलकर के कॉपरेटिव भंडार खोलते हैं और उसमें सब सदस्य वहाँ जाकर के शॉपिंग कर लेते हैं और इसमें जो रेट्स होती हैं बहुत रीजनेबल होती हैं। आप कई बार सुपरमार्केट गए होंगे, सब कुछ ओपन होता है, आप घूम करके सब प्रोडक्ट देख सकते हो, आपको क्या चाहिए, यू कैन कंपेयर डिफरेंट ब्रांड्स और उसमें से हम अपने अनुसार सेलेक्ट करके खरीद सकते हैं। यहाँ पे प्राइसेस जो होते हैं काफ़ी इनका कोई ज़्यादा ये लोग प्रॉफिट नहीं कमाते हैं और हमें अच्छे प्राइस में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। देन कम्स चेन स्टोर। चेन स्टोर क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्रांड जो होती है, कंपनी बहुत बड़े हम कह सकते उत्पादक जो होता है, वो अपनी काफ़ी सारी शॉप्स खोल लेता है और उसके चेन स्टोर वो जगह जगह खोल देता है, यानी कि दुकान पूरे उत्पादक के अंडर में सब कुछ होता है और वो अपनी चेन बना लेता है, श्रृंखला बना लेता है और अपनी शॉप्स हर जगह खोल देता है। एंड द लास्ट इज विभागीय स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, जैसे आपने देखा होगा बिग बाजार है या रिलायंस का है। यहाँ पे क्या होता है, दीज आर डिपार्टमेंटल स्टोर, यू गेट ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ वन प्लेस, मतलब एक ही जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स एक साथ जब इकट्ठी खुल जाती हैं तो हम उसे कहते हैं विभागीय स्टोर, यानी कि यू गेट ऑल टाइप ऑफ थिंग्स इन वन पर्टिकुलर एरिया। एंड देर आपने देखा होगा कि लोग काफ़ी स्कीम्स भी निकालते हैं, सेल्स भी करते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जाकर के हमें बहुत बेनिफिट होता है। हमें एक तो क्लियरली वी कैन सी ऑल द प्रोडक्ट्स, वी कैन कंपेयर द प्राइस, वी कैन कंपेयर द क्वालिटी एंड समटाइम्स हमें उनके तरफ से काफ़ी छूट भी मिलती है और हमें अच्छे से शॉपिंग हो जाती है। तो ये आपने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स हैं एंड वी आर फ्री कंज्यूमर्स, वी कैन बाय फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मार्केट। बस हमें ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वी शुड कंपेयर द प्राइस, वी शुड सी द वेराइटी और उसके अकॉर्डिंगली हमें परचेस करना चाहिए। थैंक यू।